बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। थाना पुलिस नालागढ़ में नाबालिग को पीटने के मामले में सैकड़ों लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। लड़के के परिजनों व लोगों ने एसएचओ व एएसआई पर कार्रवाई की बजाय मामले को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए हैं। इस दौरान लोगों की एसडीएम व डीएसपी के साथ खूब बहस भी हुई। लोगों ने आरोप लगाया है कि एसएचओ खुद मामले की तफ्तीश कैसे कर रहा है, जबकि उसके खिलाफ शिकायत हुई है। जानकारी के अनुसार बीते शनिवार को 16 साल के कृष्णांशु को पुलिस स्टेशन बुलाकर एसएचओ निर्मल दास व एएसआई हरजीत सिंह ने पीटा और थाने में कई चक्कर भी लगवाए। नाबालिग दत्तोवाल से गाड़ी में तेल भराकर वापस आ रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो नाबालिग ने मौके से गाड़ी भगा ली, जिसके बाद पुलिस उसे थाने में ले आई थी। पहली चीज कि आपको दबाव कौन बना रहा है, पहला। दूसरा आपके ऊपर आपको डर है अपनी सुरक्षा का, तो आप मुझे इसके लिए वो तो है राइट। ये अभी आपकी अब कब दिया है, आप अभी दिया है ना, अभी दिया है ना, तो अभी तो इंस्पेक्शन मेरे को थोड़ा जांच के लिए समय तो मिलना चाहिए ना। नेचुरल जस्टिस की बात है ना ये, जो बोल रहे हैं उसको सुनो भी आप, ठीक है राइट। अब तीसरी चीज, डीएसपी जांच करके आज मुझे रिपोर्ट सबमिट करेगा, देन उसको मैं डीसी को या एसपी को जो है दोनों को फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है राइट। दे आर कॉम्पिटेंट टू टेक एक्शन। जो चीज मेरे स्तर पे है ही नहीं, आप मुझे गुस्से उसकी आशा कैसे कर रहे हैं। आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग कानून जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आप अप्रोप्रिएट फोरम पे मसला उठाने की बजाय अगर मुझसे सवाल करेंगे, जबकि मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, जैसा आप दोनों को मुझसे कुछ शिकायत है कर रहे हैं ना, कर रहे। तो जब आप अप्रोप्रिएट मामला वहाँ उठा नहीं रहे हैं, और यहाँ अगर इस तरह की बातें करेंगे आप, जिसका आप भी अपना समय खराब करेंगे। बेटर है इसको उचित मंच पर मामला जहाँ जिसके डोमेन का वहाँ उठाया जाए। हमने एसपी साहब के पास जाएं सर, आपको जहाँ उचित लगता है जहाँ उचित यही होगा, बिल्कुल। पहला और दूसरा, जो आपने अब तक कंप्लेन दी है, इंक्वायरी, वो हमने जहाँ भी हमको मार्क करनी होती है, फॉरवर्ड करनी होती है, हमने की है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी।